बिहार की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट है तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट। इस सीट पर जेडीयू के पहले विधायक थे जिनकी कोरोना के कारण मौत हो गई थी। अब जेडीयू इस बात से निश्चिंत थी अब तक कि उन्हें सहानुभूति की वोट मिलेगी। नीतीश कुमार ने भी कल ये बात किया कि कुशेश्वर स्थान में अमन हजारी के माता पिता का निधन हो गया है, वो अत्यंत दुखी है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जेडीयू को जो है वो सहानुभूति की वोट मिलेगी, लेकिन अब जो है वो मामला बदल गया है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बिहार में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के आने के बाद से इन दोनों उपचुनावों पर कितना असर पड़ता है वो हम आपको बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि लालू यादव की एंट्री ने लड़ाई को कांटे की टक्कर में बदल दिया है। माना जाता है कि लालू गेम चेंजर की भूमिका निभाते आ रहे हैं। राजनीति में 5 दशकों का अनुभव रखने वाले आरजेडी सुप्रीमो एक बार फिर से बिहार पहुंच चुके हैं। ऐसे में तारापुर और कुशेश्वर स्थान की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जेडीयू के बड़े नेता लगातार दोनों ही क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। अब तक तेजस्वी यादव अकेले चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब उनके पिता लालू यादव के आने के बाद माहौल जो है वो बदल गया है। वे तारापुर और कुशेश्वर स्थान जैसी जगहों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। समीकरण की बात की जाए तो लालू पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज और महादलित पर भी खासा असर रखते हैं। ये दोनों क्षेत्र इस दृष्टिकोण से उनके लिए सहज है। तारापुर के लिए माना जाता है कि वहां डिसाइडिंग फैक्टर कुशवाहा समाज है, लेकिन यादव और कुछ सवर्ण समाज भी डिसाइडिंग फैक्टर रखते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव 2020 में जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्य प्रकाश 6,000 वोटों से हार गई थी। ऐसे में आरजेडी के लिए यह उम्मीद की किरण दिख रही है। वजह है कि यहां से आरजेडी ने अरुण कुमार शाह को उतारा है। शाह बनिया समाज से आते हैं जो एनडीए के परंपरागत वोटर रहे हैं, उसमें वो सेंध लगा सकते हैं। वहीं तारापुर में ब्राह्मणों की अच्छी संख्या है, तो कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को उतार कर एनडीए के सवर्ण वोटों पर छापा मारा है। वहीं चिराग पासवान ने क्षत्रिय चंदन सिंह को इस चुनाव में उतार कर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया। ऐसे में ये उपचुनाव में जेडीयू फंसता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए कुशेश्वर स्थान की, तो कुशेश्वर स्थान आरक्षित सीट है। यहां दलित महादलित की तरफ से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। चूंकि शशिभूषण हजारी जेडीयू से लगातार विधायक रहे हैं, उनके निधन के बाद पार्टी ने सहानुभूति वोट बैंक को देखते हुए उनके पुत्र अमन हजारी को उतारा है। आरजेडी के सूत्रों की माने तो पिछली दफा कुशेश्वर स्थान कांग्रेस को देने के कारण ही हार गई थी। कांग्रेस ने उम्मीदवार अशोक राम 7,222 वोट से हार गए थे। माना जा रहा है कि पिछली दफा उनकी जगह यदि कोई आरजेडी का उम्मीदवार होता तो ये चुनाव जीत जाता। अब लालू यादव के आ जाने के बाद ये दोनों सीट मुश्किल में दिखाई दे रही है। जेडीयू को जीत मिलेगी भी तो मार्जिन बहुत कम रहेगा, लेकिन पिछले चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो उसमें विरोधी दल की स्थिति अच्छी रही है। हालांकि बिहार की सत्ता पर इसका असर नहीं पड़ेगा। यदि आरजेडी 2 सीट जीत लेती है तो तेजस्वी यादव सरकार बनाने से काफी दूर है, लेकिन जीत के बाद राजनीतिक तौर पर उनका मनोबल काफी बढ़ेगा। तो अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि लालू प्रसाद की एंट्री के बाद से जेडीयू को किस तरीके से कांटे की टक्कर मिलती है इस बार के उपचुनाव में। तो आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।